सोमवार के दिन ऐसे लोगों के घर मत जाना, उनकी बला आपके सिर पर आ सकती है, आप पर हावी हो सकती है। क्या है ये माजरा और क्यों हम सोमवार के लिए आपको कह रहे हैं? आप सोचेंगे शनिवार की बात नहीं करी, मंगलवार की बात नहीं करी, रविवार की बात नहीं करी, क्या कोई तांत्रिक क्रिया के की बात नहीं है? मित्रों, अंधेरे में मत रहिए, आज की आई ओपनिंग वीडियो को देखिएगा, इससे आपको चमत्कार को नमस्कार करने का मन करेगा। इस प्लस आप किसी भी बाधा से ग्रसित होते हैं तो आपको निवारण भी बताऊंगी आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। हमारा नाम है डॉक्टर उमाश्री, हम एस्ट्रोलॉजर हैं और 25 साल से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और चंद्रमा हमारे मानसिक किरणों को, मानसिक तरंगों को संतुलित करता है। कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उनका बाल बांका हो जाता है। हम आज आपको ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपका बाल भी बांका ना हो, ऐसे मंत्र टोने टोटके भी बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये तो आप मानते ही होंगे कि शैतान को ईश्वर के विपरीत माना जाता है। शैतान का अस्तित्व मिटाने के लिए ही भगवान की शक्ति है। शैतानी शक्तियों पर नियंत्रण भगवान की शक्तियों के द्वारा भी किया जाता है और किया ही जाता है। कुछ लोगों के ग्रह नक्षत्र बहुत भारी होते हैं, उनका पैर चौराहे पे पड़ जाए किसी के घर जाते समय, या किसी के घर में ही किसी ने तांत्रिक क्रिया कर रखी है उनको बर्बाद करने के लिए, और ऐसे घरों में आप प्रवेश कर जाते हैं तो उनके ऊपर क्रिया कराया उनके तो बाद में काम आता है, पहले आप ही के प्रभाव में वो आ जाता है, आप ही उसके प्रभाव में आ जाते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो कुछ भूमि दोषयुक्त होती है और उस पर मकान निर्मित हो जाता है और गंभीर समस्या का कारण बनती, उसका दोष का कारण बनती है। अगर भूमि दोष में आप कहते हैं, देखते हैं कि वहाँ गृह निर्माण में कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं जो सही नहीं है, तो भी शैतानी शक्तियों का वास उस मकान में हो सकता है। कई बार वास्तु दोष की वजह से भी गंभीर प्रॉब्लम हो जाती है और ऊपरी बाधा का दोष भी उत्पन्न हो जाता है। ऐसा तब होता है जब दक्षिण पश्चिम कोण या दक्षिण पूर्वी कोना बाधित हो। आसपास का वातावरण, जिस मकान में आप जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, अगर वो मकान गलत दिशा में बना है, उसमें कोई नाला है, खड्डा है, तिराहा है या कुछ धार्मिक स्थल भी हैं, तो भी आपको परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। हमने ऐसे अनेक मकान में वास्तु दोष देखे हैं जहां गंभीर नेगेटिव एनर्जी थी और ऐसे मकान में प्रवेश करने के बाद कई तरह की परेशानियां जीवन में आती है। चंद्रमा अगर राहु के साथ हो या गुरु राहु की युति हो, गुरु राहु का चंडाल योग हो कुंडली में, तब भी संकट जीवन में आते हैं और नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में रहती है और पराशक्तियों के रूप में ऊपरी बाधा किसी व्यक्ति को परेशान कर सकती है। हस्तरेखा शास्त्र में अगर राहु पर्वत से कोई रेखा जीवन रेखा को काटती है और मस्तिष्क रेखा में चली जाती है, तो कई तरह की दोष उस व्यक्ति में व्याप्त हो जाते हैं नेगेटिव। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, अतृप्त चीज़ें होती हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। परेशानी तो तब होती है जब ऐसे घर में जाकर आप उनका आतिथ्य सत्कार ग्रहण कर लेते हैं, इस विशेष रूप से उनकी थाली में ही खा लेते हैं, तब भी आपको परेशानी भोगनी पड़ सकती है। इसकी पहचान ये है कि आपको हमेशा मन में डर लगा रहता है, आशंका बनी रहती है कि किसी ने आपका आप पर अभिचार कर्म किया है। इस मानसिक समस्या के कारण आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। इसको आप निवारण भी कर सकते हैं अगर आप सफ़ेद कागज पर केसर की स्याही से पूजन करते हैं, लिखकर किसी भी पवित्र मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है।
अपने ऊपर से 7 बार नींबू उबार कर काट कर चारों चौराहों में डाल दीजिए, चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इससे भी आपकी नेगेटिविटी मिट जाती है। ये मंत्र भी आप जप सकते हैं जो शाबर मंत्र की श्रेणी में आता है। बांधो भूत जहाँ तू उपजो, छाड़ो गिरे पर्वत चढ़ाई, सर्ग दुहेली तुझ भी झील मिलाही, हुंकारे हनुवंत पंचारई भीमा, जरी जारी जारी भस्म करे, जो चापे सीऊं। ये आपको पढ़ना चाहिए, इससे आपकी रक्षा होती है और भूत प्रेत रूपी शक्ति की बाधा भी मिट जाती है। मोर पंख बहुत पवित्र चीज़ है। किसी भी शनिवार को आप झाड़ा देते हैं मोर पंख से और पवित्र मंत्र पढ़कर फूंक मारते हैं, 7 फूंक मारते हैं, तो आपकी बहुत सी बाधाएं तुरंत शांत हो जाती है। बुरी बलाओं को अपने से दूर करने के लिए आपको दिवाली, होली, शिवरात्रि, रवि पुष्य या गुरु पुष्य अभी आने ही वाला है गुरुवार को, नवरात्र, इनमें आप कोई भी काम करते हैं निवारण के लिए तो आपको फ़ायदा होता है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। पवित्र जल का छिड़काव आप हनुमान जी की पूजा के बाद छिड़क सकते हैं अपने घर में, तब भी आपको फ़ायदा होता है और नेगेटिव एनर्जी तुरंत रफू चक्कर हो जाती है। बटुक भैरव का उपाय भी नेगेटिव एनर्जी से आपको मुक्ति दे सकता है। ये उपाय आपको ग्रहण काल में बहुत फ़ायदा देता है। आप चाहें तो होली, दिवाली, नवरात्रे में आप ये कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार या रविवार को भी कर सकते हैं। बटुक भैरव का चित्र के समक्ष उड़द का बड़ों का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और गूगल की धुनी देनी चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। अभिजीत काल में अगर नेगेटिव एनर्जी परेशान करे आपको तो आपको अभिजीत काल में करना है। अभिजीत काल रोज़ाना 12:15 से 12:15 होता है। इस समय 7 मुट्ठी धूल फेंकने से समस्या का निवारण होता है और ये मंत्र आपको पढ़ना चाहिए, ओम त्रीम 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 भैरवाय स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें 7 बार और 7 मुट्ठी ही आपको धूल फेंकनी है, समस्या मिट जाएगी। जिन मकानों में आप गए हैं उस मकान में कोई प्रॉब्लम है तो चारों कोनों में आपको लौंग गाड़ देनी चाहिए और नेगेटिव शक्ति जिस पर परेशान कर रही है तो उस जिस पलंग पे वो सोता है, जिस बेड पे वो सोता है, उसमें 2-2 लौंग आपको दबानी चाहिए, नेगेटिव एनर्जी रफू चक्कर हो जाती है। ये मंत्र भी पढ़ना चाहिए, ओम बांधो भूत जहाँ तू उपजा, छाड़ो गिरी पर्वत चढ़ाई, स्वर्ग दहेली पृथ्वी जात्रम झिली मिलाई, हंकार हनुवंत को पवार भीम, जारी करो भस्मम तजे चापे शिव। ये आपको बोलना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होता है। आप बेर या बबूल की लकड़ी को काट कर 1.25 इंच की कील बना लें और उन कीलों को अभिमंत्रित करके किसी भी मंत्र से जो हमने आपको बताए धरती में गाड़ देते हैं या वास्तु के हिसाब से आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोनों में गाड़ देते हैं, इससे आपकी घर की सुरक्षा हो जाती है। जिस घर में आप गए हैं वहाँ नेगेटिव एनर्जी है तो वहाँ भी आप ये कार्य कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अगर किसी ने आप पर अभिचार कर्म किया है, तांत्रिक क्रिया की है, उसको आप लौटा भी सकते हैं, उसी को जिसने आप पर ये तांत्रिक क्रिया की है उसी का नाश हो जाएगा इस प्रयोग से। ये प्रयोग आप ग्रहण काल में करें या होली पर करें या नवरात्र या दिवाली पर कर सकते हैं या किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। और ये आपको बोलना है, 7 बार हुंकार भरनी है, ये अभिचार कर्म वापस उसी पर लौट जाएगा जिसने आप पर किया है। ये मंत्र भी पढ़ना है,
डंडी मार मार रे, डंडी मार मार किया की डंडी किया, का पलड़ावा किया, तोरे गुरु के गुणवा है, डंडी मार मार रे, डंडी मार मार, पवन का पलड़ा, रत्न का डंडी, जतन के गुड़वा हे डंडी मार मार, किया के सेरवा, किया किया का बनलबा, बटखरवा, डंडी मार मर, डंडी मार मार रे। सत्य महारानी वासुदेव जी को नमस्कार, दुहाई नैना जोगिन के, सत्य गुरु के बंदे पाव देखो, देवी होश करो, जिसका पड़वा उसका घर जाओ। ये आपको बोलना है, आपको फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप सुनसान जगह से जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, तो ऐसे में आपको 3 ताली बजानी चाहिए और ये मंत्र पढ़ना चाहिए, आपकी सुरक्षा हर कहीं से होने लग जाएगी। मंत्र इस प्रकार है, महा डैश वीर का भूते ओढ़ना, भूते दसना, भूते करे आहार, महा डैश देव की चौकी, महा डैश वीर रखवार। ये मंत्र पढ़ना चाहिए। ये मंत्र आपको कंठस्थ होगा या याद होगा तभी आप पढ़ सकते हैं, तभी आप जप सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सभी तांत्रिक प्रयोगों को बजरंग कैंची के साथ काटा जा सकता है। ये उपाय ऐसे होते हैं, किसी ने आप पर जादू टोना करवा दिया हो, काला जादू करा दिया हो, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और जिसको कष्ट है उसको हनुमान जी के सामने, मूर्ति के सामने बिठा दें और बजरंगी की कैंची का 9 बार पाठ करें, आपको फायदा